नमस्कार, हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है सुर चैलेंज में। फ्रीडम सुर चैलेंज के इस ऑडिशन में अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट की। हमारे अगले कंटेस्टेंट जिला दरभंगा से हैं, अंकित अभिषेक। तो आइए अंकित अभिषेक को आमंत्रित करते हैं इस ऑडिशन में। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मधम चले तो से कहें बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। बड़े उस्ताद हैं जी, उस्ताद राशिद खान साहब नाम है उनका। मुझे लगता है कि राशिद खान साहब ने जितनी इसमें भरी है पूरा राग रागनी और जितना उनका अंदाज है, आप शायद अगर उन चीजों को ही उतना गा दें तो शायद बहुत बेहतर है। सर, कॉपी मैं थोड़ा कॉपी इन द सेंस कि वो चीजें आप उसमें जोड़ें जो कि शायद वो चीजें वहां जाके अच्छी लगे या फिट बैठे। जी बिल्कुल। आप अगर कोई गाना किसी पर्टिकुलर अगर राग पे अगर बन रहा है ना, तो आप उन्हीं श्रुतियों को डाल सकते हैं जिस स्वर का उस राग में इस्तेमाल हो। ठीक है, आप उसको बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप एक आज कहीं जगह अपनी बात कहेंगे तो ये मेरा अपना एक परामर्श मैं आपको दे रहा हूँ, आप कहीं एक आज जगह अपनी बात रखेंगे ना तो वो बात कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी। लेकिन आप पूरे गाने के कंपोजिशन में अगर आप बार बार अपनी बात रखेंगे, ये वो बात नहीं है। अंदाज तो आप ही का होता है, गाना उनका है, मगर अंदाज आप ही के गाने का है। राशिद खान साहब का अपना अंदाज था, आप अपने अंदाज में गा रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं कहीं वो आपके अपने स्टाइल का इस्तेमाल हो तो अच्छा रहेगा। रियाज भी करते हैं जी, 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 जी। रियाज को थोड़ा मन से कीजिए। रियाज तो झलक जाता है ना। हाँ, बिल्कुल सर। खटका मीर गमा कानून कुछ नहीं आ रहा है, तो फ्लैट फ्लैट हो रहा है, सब चीज ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच। तो ये फ्रीडम सुर चैलेंज के इस ऑडिशन की कड़ी में अब बारी हमारे अगले कंटेस्टेंट की। हमारे अगले प्रतिभागी जो जिला मधुबनी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप हैं मोहम्मद मिराज। आइए आमंत्रित करते हैं मोहम्मद मिराज को इस ऑडिशन में। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। देखिए, परेशानी ये है ना कि आप लोग एक ऑनर में जाना चाहते हैं। आप लोग जितने भी नए सिंगर हैं, ये जो नए जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है ना कि जब एक हारमोनियम पे अपना जब रियाज होता है तो फिर वो आवाज़ कहीं ना कहीं खुल के सामने आती है, आदमी बुलंद आवाज़ के साथ गाता है। अब ये जो नए जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है कि अरिजीत सिंह साहब और भी चार पांच सिंगर्स हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं आप उनकी आवाज़ से इंस्पायर होने लगते हैं, तो उसमें जो बेसिक्स जो आपका अपना जो है ना वो खोने लगता है। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि आप अरिजीत सिंह साहब को नहीं गाएं या उनको नहीं गाएं, लेकिन आपके खुद की अपनी आवाज़ भी कायम रहनी चाहिए। यही नए जनरेशन से यही पुराने गानों को बार बार हम लोग जो आपसे वो कह रहे हैं कि नहीं आप कुछ पुराना गाना कोई एक सुना दीजिए, तो शायद उसकी वजह ये होती है कि उसमें कोई भी सिंगर खुल के सामने आता है। किशोर दा थे या रफ़ी साहब थे तो वो खुल के सामने आते थे।
देखिए अभी कुछ देर पहले वो जो आपके भाई साहब बगल में भी गा रहे थे, तो ये कोई मसला नहीं है कि आपके साथ रिदम बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, आपके मन में तो वो रिदम चलता रहता है, आपके पैरों में वो ताल चलती रहती है, कभी कभी कोई गाता है तो वो दिखता भी है कि चलो भाई आप उसके साथ चल रहे हैं। संगीत की समझ है आपको, आपको पता है कैसे आपको गाना है, अब थोड़ी मेहनत चाहिए इसमें। फ्रीडम सोर चैलेंज के इस ऑडिशन के कड़ी में अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट को बुलाने की, और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं जिला लखीसराय से पूजा कुमारी। तो आइए पूजा कुमारी को आमंत्रित करते हैं इस ऑडिशन में। तूने यो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने यो रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ओ मेरी साजन कैसी धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदियां का पानी लहरी उठेरी मेरी तन में। ओ मेरी साजन कैसी धड़कन शोर मचाने लगी मन में, जैसे लहराए नदियां का पानी लहरी उठेरी मेरी तन में। मुझ में समा के ये क्या किया और पिया हो, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। आप गाने के साथ नृत्य का भी शौक है आपको, डांसिंग भी? हाँ, हाँ। जी जी, अच्छी बात है, क्योंकि ये सब संगीत का ही एक पार्ट होता है, सुर लय ताल की आवश्यकता तो शायद नृत्य में भी है, संगीत में भी है। संगीत सीखती हैं आप? हाँ, कुछ 2 महीने से सीख रहा है। मतलब बस 2 महीने हुए अभी ना, चलिए और तैयारी कीजिए, मुझे लगता है कि और तैयारी की जरूरत है अभी आपको, है ना? जब तैयारी आपकी हो जाएगी तो फिर वो दिखेगा, अभी शायद वो तैयारी आपकी आवाज में दिख नहीं रही है। एक्चुअली डर रही हूं सर, मैं जागरण करती हूं। जी मैं जागरण करती हूं तो अभी थोड़ा सा डर लग रहा है। जब आप जागरण, मैंने आपने कहा कि आप जागरण करती हैं, आप स्टेज पर भक्ति जागरण गाती हैं, तब तो स्टेज फियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप स्टेज पर परफॉर्म करती हैं तो फिर तो कभी, जैसे आप सामने खड़ी हैं, आपके सांस पे सांस चढ़ी जा रही थी, ऐसा प्रॉब्लम तो आपके साथ होना ही नहीं चाहिए वहाँ तो कम से कम आपको। खैर चलिए, आप क्या करती हैं ये तो अच्छी बात है, आप उसमें और बेहतर तरीके से करें, लेकिन संगीत को आप सीखें, यही हमारा सुझाव रहेगा। फ्रीडम सोर चैलेंज के इस ऑडिशन में अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट को बुलाने की, और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं जिला समस्तीपुर से कुमार दीपक। तो आइए कुमार दीपक को आमंत्रित करते हैं और जजेस फैसला करेंगे कि कितना बेहतर गाया कुमार दीपक ने। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बातें पुरानी है एक कहानी अब सोचो तुम्हें याद नहीं है, अब सोचो नहीं भूले। ओ सावन के झोले, अब सोचो तुम्हें याद नहीं है, अब सोचो नहीं भूले। ओ सावन के झोले, रुत आए रुत जाए देकर झूठाए
और मतलब स्टडी करते हैं, स्टडी में हैं, पढ़ाई करते हैं? नहीं, सिंगिंग सीखते हैं। अच्छा, सिंगिंग सीखते हैं, किन से सीखते हैं? हमारे गुरु जी हैं अमित सर, राजीव झा, शंकर झा, उसके बाद जीवस जी, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वहीं रियाज करते हैं। कितने दिनों से सीख रहे हैं आप? लगभग अभी तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल। ये जो गाना अभी आपने गाया जी, इसके गायक कौन थे? किशोर दा। कौन से राग पे गाना था ये? शिवरंजनी। चलिए, संगीत की समझ भी होनी चाहिए आपको। संगीत अगर गा रहे हैं, कोई राग गा रहे हैं और क्लासिकल सीख रहे हैं, तो उसका उसका एक बेसिक जो नॉलेज होता है ना जी, जी, वो भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, रियाज अभी आपका दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि शायद थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जिस लेवल के सिंगर की तलाश हमें है, अभी उसके लिए आपको और बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर। चलिए, भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। फ्रीडम सोर चैलेंज के इस ऑडिशन के कड़ी में अब बारी है हमारे अगले कंटेस्टेंट की, और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं जिला वैशाली से अमित नारायण। तो इस जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं अमित नारायण को। सीने में दिल, दिल में धड़कन, धड़कन में क्या है तेरी प्यास है, हर प्यास में दर्द है सनम, ये दर्द तेरा एहसास है। लग रहा है कि जैसे कविता पाठ हो रहा है, तो थोड़ा इसमें इस पर ध्यान देना है, और थोड़ा रियाज करें और सुन के गाते हैं। हाँ, सुन के गाते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। आवाज़ से आवाज़।